रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल्स को भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। 350 सीसी से लेकर 650 सीसी तक की मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड इंडियन मार्केट के अंदर बेचता है। तो टोटल कितने नंबर्स रॉयल इनफील्ड ने फरवरी 2023 के अंदर बेचे और सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल रॉयल इनफील्ड ने बेचा, सबकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड की सेल्स रिपोर्ट फरवरी 2023 की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले उन मॉडल्स की जिनकी सेल्स फिगर सबसे कम रही है और फिर बताएंगे आपको लास्ट में वो मॉडल जो सबसे ज्यादा रॉयल एनफील्ड की तरफ से बेचा गया है और पूरे भारत में 2023 के अंदर जो फरवरी महीना था उसमें रॉयल एनफील्ड ने कितने नंबर्स किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल इनफील्ड की 650 ट्विन्स के बारे में। यहाँ पर इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी की हम बात करेंगे, सुपर मीटियोर की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसे हाल ही में लॉन्च किया गया है तो उसके अभी सेल्स रिपोर्ट आपको नहीं मिलेंगे। और 650 ट्विन्स की अगर मैं बात करूँ तो 1170 यूनिट यानी कि 1170 यूनिट दोनों ही मॉडल्स के फरवरी 2023 के अंदर पूरे भारत में बेचे गए हैं। अगर आप फरवरी 2022 से इसको कंपेयर करते हो यानी कि पिछले साल की रिपोर्ट से देखते हो तो लगभग 50% यहाँ पर सेल जो है वो डाउन हुई है। हालांकि आने वाले कुछ महीनों में ये सेल्स फिगर जो है फिर से चेंज हो जाएंगे क्योंकि इंटरसेप्टर और जीटी को अब फिर से नया अपडेट मिल चुका है, अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर्स और नए कलर्स के साथ में इन मोटरसाइकिल्स को वापस से भारतीय बाजार में कंपनी ने उतारा है जिससे कि और ज़्यादा बेहतर नंबर ये मोटरसाइकिल्स ला सकें और ज़्यादा कस्टमर जो है वो इनकी तरफ आ सकें। इसके बाद में है हिमालयन और हिमालयन की जो सेल्स फिगर है यहाँ पर स्क्रैम 411 की सेल्स को ऐड करके ही कंपनी बताती है, दोनों को अलग अलग नहीं रखती है और दोनों मिलकर 2841 यूनिट फरवरी 2023 के अंदर बेचे गए हैं। अगर आप इसको भी कंपेयर करोगे 2022 से तो यहाँ पर सेल्स जो है वो डाउन हुई है जबकि यहाँ पर स्क्रैम की सेल ऐड होने के बाद भी हिमालयन को उतना ज़्यादा प्यार अब नहीं मिल रहा है। इसके काफ़ी सारे रीज़न है, एक तो कि इस मोटरसाइकिल का अपडेट आना है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से टेस्ट होता हुआ देखा भी जा रहा है, साथ ही कंपटीशन जो है इस सेगमेंट में बढ़ गया है, यस्जी एडवेंचर और सुजुकी वी स्ट्रॉम जैसी मोटरसाइकिल्स इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा ऑफर कर जाती हैं जो कि आपको हिमालयन में नहीं मिलता है जिसकी वजह से इसके सेल्स पर काफ़ी ज़्यादा फर्क भी पड़ रहा है। इसके बाद में आई है इलेक्ट्रा 350 और इलेक्ट्रा 350 को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। इलेक्ट्रा 350 की सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रा 350 की 5109 यूनिट पूरे भारत में बेची गई हैं फरवरी 2023 के अंदर और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है। अब ऐसा क्यों हुआ है अगर उसकी बात की जाए तो इलेक्ट्रा 350 जो है वो रॉयल इनफील्ड लाइनअप के अंदर काफ़ी सस्ती मोटरसाइकिल है। अगर आप इसको क्लासिक या हंटर से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको मिल जाती है, हंटर वाले ही प्राइस में आपको इलेक्ट्रा मिल जाती है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इसकी तरफ जा रहे हैं। और एक रीज़न ये भी है कि इलेक्ट्रा 350 के अंदर अभी भी पुराने वाला इंजन ही कंपनी दे रही है, नया वाला इंजन जो क्लासिक 350 में आता है या फिर मैं कहूँ मीटियोर और हंटर में आता है वो आपको इलेक्ट्रा में नहीं मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी पुराने इंजन को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रा 350 की आप देखोगे सेल पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी बढ़ गई है। इसके बाद में आती है रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350 और मीटियोर 350 की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 6600 यूनिट के आसपास पूरे भारत में बेचे गए हैं जो कि थोड़े से डाउन हुए हैं, पिछले साल 6700 यूनिट के आसपास थे तो थोड़ा सा नंबर जो है वो गिरा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और मीटियोर को अभी भी लगभग उतना ही पसंद किया जा रहा है जितना कि इसे पिछले साल पसंद किया गया था और काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। 350 सीसी सेगमेंट में अच्छा आपको क्रूजिंग एक्सपीरियंस जो है ये ऑफर कर जाती है। और रॉयल इनफील्ड लाइनअप के अंदर टॉप 3 सेलिंग मोटरसाइकिल्स में आई है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 और बुलेट 350 को ही ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड काफ़ी लोग मानते हैं और इसीलिए इस मोटरसाइकिल की सेल्स पिछले साल के मुकाबले लगभग 27% बढ़ी है। 8232 यूनिट पूरे भारत में बुलेट 350 के बेचे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग बुलेट 350 को पसंद करते हैं और रॉयल इनफील्ड लाइनअप के अंदर ये इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको केवल किक स्टार्ट के साथ में मिलती है और इसमें भी आपको रॉयल इनफील्ड का पुराने वाला इंजन ही मिलता है जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। अब बात करते हैं टॉप 2 मोटरसाइकिल की तो दूसरे नंबर पर आई है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 और हंटर 350 को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर कंपनी ने 100,000 यूनिट जो है वो इसके बेच दिए थे पूरे भारत में और फरवरी 2023 के अंदर भी इस मोटरसाइकिल ने काफ़ी अच्छे नंबर्स रॉयल इनफील्ड को लाकर दिए हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं।
हंटर 350 की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 12,925 यूनिट पूरे भारत में बेचे गए हैं। इसका पिछले साल से कोई भी कंपैरिजन नहीं है क्योंकि अभी मोटरसाइकिल को भारत में एक साल पूरा नहीं हुआ है और मैंने जैसा कि पहले बताया 6 महीने में कंपनी 1,00,000 यूनिट पूरे भारत में इस मोटरसाइकिल की बेच चुकी है जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है हंटर 350 के लिए। अब बात करते हैं पहली ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में जो कि रॉयल इनफील्ड लाइनअप के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और सबसे ज़्यादा नंबर्स करती है रॉयल इनफील्ड के लिए, वो है क्लासिक 350। और क्लासिक 350 का अपना एक चार्म है, अपनी एक फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा लोग उस मोटरसाइकिल को पसंद करते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये मोटरसाइकिल भारतीय बाज़ार में बेची जाती है। 350 सीसी सेगमेंट में भी अगर आप देखोगे तो क्लासिक 350 जो है वो पहले नंबर पर आती है और हंटर 350 से महंगी होने के बावजूद भी हंटर से दुगने नंबर ये कंपनी के लिए करती है। 27,000 से ज़्यादा यूनिट क्लासिक 350 के पूरे भारत में बेचे गए हैं और अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करते हो तो ये नंबर जो हैं वो डाउन हुए हैं, लगभग 8% यहाँ पर सेल गिरी है। अब थोड़ा सा ये सेल डाउन जो गई है वो आप समझ सकते हो कि हंटर की वजह से हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हंटर जो है वो एक ऑप्शन बन गया है कस्टमर्स के लिए, तो क्लासिक जिन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा हैवी वेट लगती है वो हंटर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप सेल्स देखोगे कंपनी की तो काफ़ी अच्छे नंबर जो हैं वो कंपनी ने किए हैं। टोटल सेल्स की अगर बात करें तो 64,436 यूनिट कंपनी ने पूरे भारत में बेचे हैं और पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हो तो पिछले साल लगभग 52,000 यूनिट बेचे गए थे फरवरी 2022 के अंदर, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी को मिली है। लगभग 23.5% कंपनी ने मार्केट में ग्रो किया है और यहाँ पर दो ऐसे मॉडल हैं जिनको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, जिनकी सेल्स जो है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। पहला मॉडल है ऑब्वियसली हंटर 350 जो काफ़ी अच्छे नंबर कंपनी के लिए कर रही है और इलेक्ट्रा और बुलेट को भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है जिससे कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो दिखाई है। तो ये ऐसी मोटरसाइकिल्स हैं रॉयल इनफील्ड लाइनअप के अंदर जिनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और कौन सी मोटरसाइकिल कम बिकी कौन सी ज़्यादा बिकी मैंने आपको बताया, आपकी फेवरेट रॉयल इनफील्ड कौन सी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।